अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज हुसैन मेमन हियर। मैं आज बात करूंगा 2024 इलेक्शंस की। जी हाँ, 2024 इलेक्शंस की। पहले तो ये होता था कि सिर्फ दो पार्टीज इलेक्शन अक्सर लड़ा करती थी, वो थी बीजेपी और कांग्रेस। यही दो मेजर पार्टी हुआ करती थी और इनके साथ जो भी अलायंस करने वाले होते थे, दूसरी पार्टी वाले वो अलायंस कर लिया करते थे, गठबंधन कर लिया करते थे और मिल के गवर्नमेंट बनाते थे। मगर जो है, अब इस रेस में, इलेक्शन की रेस में दो नई पार्टी आ गई है, नई पार्टीज आ गई है। वो है, एक है आम आदमी पार्टी और एक है AIMIM, जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी। और वक्त और हालात को देखे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है सिर्फ अपनी रेप्यूटेशन को बचाने की कोशिश कर रही है, मगर आम आदमी पार्टी और AIMIM की कोशिश देखे तो वो जितना हो सक रहा है वो पूरे इंडिया में एक्सपांड होने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह जा रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक जोश है उनमें, एक ताजगी है उनमें, कुछ करने का उनके अंदर इरादा है और लोग भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर देखा जाए ओवरऑल तो जो कांग्रेस का जो वोट बैंक था, जो मुस्लिम वोट बैंक था, वो AIMIM को ज़्यादा जा रहा है और बाकी जो वोट बैंक है मुस्लिम्स का, उसमें से थोड़े लोग आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं जहाँ पे AIMIM नहीं है। तो अभी का जो फिलहाल की जो सिचुएशन है उससे देख ये लग रहा है कि 2024 के अंदर बीजेपी को अगर हम हटा दें तो कांग्रेस को मजबूत टक्कर और ज़बरदस्त टक्कर जो देंगे वो आम आदमी पार्टी होगी या AIMIM होगी, ये दोनों में से कोई एक होगी। तो मान लीजिए कि अगर जो सेक्युलर वोट्स हैं या मुस्लिम वोट्स हैं वो ये जो तीन पार्टी है, कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी, जो भी मुस्लिम वोटर्स का ट्रस्ट जीतेंगे या आदिवासी का या दलित लोगों का, तो उनके पास एक काफ़ी बड़ा वोट बैंक आ जाएगा और जिसके पास बड़ा वोट बैंक होगा वही जीतता है। तो मुझे तो ये पता नहीं कि 2024 में कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैं खाली वक्त और हालात के हिसाब से बात कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा नज़रिया गलत भी हो और हो सकता है कि कोई चौथी पाँचवीं पार्टी अचानक से उभर के आ जाए, किसी ने सोचा भी नहीं हो। ये तो पॉलिटिक्स है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी हालात चल रहे हैं मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। और जैसा कि ओवैसी साहब जो है हर जगह जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, पुराने जो सिचुएशंस हो गए जिसके अंदर फेक सेक्युलरिज्म की वो अक्सर बात करते हैं कि फर्जी सेक्युलरिज्म क्या था और उसके एग्जाम्पल्स भी देते हैं, तो लॉजिकली जो वोटर्स हैं वो काफ़ी जो है AIMIM के साथ हैं। और अगर फ्री स्कूलिंग की बात करें, फ्री लाइट बिल के अंदर डिस्काउंट वगैरह की बात करें, तो आम आदमी पार्टी वो बात करती है, मगर दूसरे शहरों में, दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों में अभी तक मुझे ऐसी कोई खबर नहीं मिली, या आई होगी तो मेरी नज़रों के सामने नहीं आई है। मगर उनके वादे ऐसे हैं कि भाई फ्री स्कूलिंग मिलेगी और डिस्काउंट मिलेगा एजुकेशन सिस्टम में, मगर अभी तक सिर्फ दिल्ली में नज़र आया है और कहीं और ज़्यादा कई खबरों में भी नहीं आया कुछ ज़्यादा। तो देखते हैं 2024 तक के AIMIM और आम आदमी पार्टी की ये जो रेस है, इनमें से कौन जीतता है, कांग्रेस को क्या मिलता है। और आई होप कि जो हक के रास्ते पे हो, जो सही में सबका साथ और सबका विकास सही में चाहता हो और जो लोगों का फ़ायदा देने वाला हो, मुल्क को फ़ायदा देने वाला हो, वो पार्टी जो है पावर में आए और हमारे मुल्क में शांति बनी रहे और जो है प्यार मोहब्बत से मिलजुल के सब रहे और मुल्क भी तरक्की करे। मैं पढ़ता रहता हूँ ये सब चीज़ों के बारे में ताकि मैं मेरे व्यूवर्स तक ये बात पहुँचा सकूँ। और प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, मेरे व्यूवर्स मेरे वीडियोस देख रहे हैं और मुझे लाइक कर रहे हैं। और प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आपका क्या सोचना है कि 2024 में क्या होगा करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।